हॉन्टेड मैंशन। दोस्तों, आज की कहानी 1925 में हुई एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक सुबह सोनिया नाम की एक लड़की को खबर मिली कि उसके पिता के घर से गोली चलने की आवाज आई है। सोनिया और उसके पति को ये सुन के विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये खबर मिलते ही वो दोनों उसके पिता के घर की ओर निकल गए। उसके पिता एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब में काम किया करते थे और गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको ये घर दिया गया था। वो घर दूसरे शहर में था, तो जाते जाते उन दोनों को शाम हो गई थी। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि उनके पिता के घर के बाहर बहुत ज्यादा पुलिस इकट्ठा हो रखी है, पर इतने सारी पुलिस वालों में से कोई भी उस घर के अंदर नहीं जा रहा था। जब वो वहां पर पहुंचे तो पुलिस ने सोनिया और उसके हस्बैंड को भी अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस के मुताबिक उस घर में एक भूत था जो कि सालों बाद आजाद हो गया था। जब सोनिया ने पुलिस वालों से पूरी बात पूछी तो उसे पता चला कि कई साल पहले 18 सेंचुरी में उस घर में एक 18 साल का लड़का रहता था। उस घर में उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती थी। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, पर एक दिन उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ लड़ाई हुई जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। वो लड़का ये गम सहन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, तभी से उसका भूत उस मेंशन में भटकने लगा। तभी से उस घर में रहने वाले काफी सारे लोगों की काफी अजीब तरीकों से मौतें होने लगी, और ये सभी मौतें बहुत ही ज्यादा भयानक थी। कुछ लोगों को तो सोते हुए ही मार दिया गया और कुछ लोगों को मार के दीवार पर लटका दिया गया। ये सब होने के बाद उस लड़की की आत्मा को एक प्रीस्ट ने बहुत ही मुश्किल से एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर सोनिया के पापा जो हाल ही में उस मेंशन में आए थे, वो इन सब चीजों को मानते ही नहीं थे, तो उसके पापा ने घर को रेनोवेट कराने के लिए उस कमरे का गेट भी खुलवा दिया और उस लड़के की भयानक आत्मा को आजाद कर दिया। पुलिस सोनिया और उसके हस्बैंड को यही समझा रही थी कि शायद उसी आत्मा ने ही उसके पिता की जान ली है, और अब कोई भी उस घर के अंदर अगर जाएगा तो उस लड़की की आत्मा उसको भी मार डालेगी। पुलिस की ऐसी अंधविश्वासी बात सुनकर सोनिया और उसका हस्बैंड एडम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन दोनों ने खुद ही अंदर जाने का फैसला किया। वो उस घर के अंदर गए और अपने पिता के कमरे में पहुंचते ही सोनिया फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने जमीन पर अपने पिता की लाश पड़ी देखी थी। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसके पिता की बॉडी पर कोई भी निशान नहीं था। सोनिया अचानक से सदमे में चली गई, पर कुछ देर बाद उसने यहाँ वहाँ मुड़कर अपने हस्बैंड एडम को देखा तो उसको वो दिखाई ही नहीं दिया। वो एडम को वहाँ ना पाकर और ज्यादा घबरा गई। वो अपने पति एडम को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, पर उसको कोई भी जवाब नहीं मिला। उस समय सोनिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो पूरे घर में यहाँ वहाँ अपने पति को ढूंढ रही थी कि तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी, और उसी टाइम उसे अपने पति की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया भाग कर अपने पति की आवाज के पीछे जा रही थी। सोनिया भाग कर उस कमरे में पहुंची, पर उस कमरे में पहुँच कर उसके तो होश ही उड़ गए। वहाँ पर उसे एडम की लाश मिली, पर अजीब सी बात तो यही है कि एडम की बॉडी पर भी किसी तरीके का कोई भी निशान नहीं था। पर एडम की मौत कैसे हुई ये किसी को भी नहीं पता। तभी सोनिया को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उसके अलावा भी उस कमरे में कोई मौजूद है। जब सोनिया ने अपनी आंखें पीछे करके देखने की कोशिश की तो उसे एक 18 साल का लड़का दिखाई दिया, पर सोनिया जैसे ही पीछे पलटती उससे पहले ही वो लड़का गायब हो गया। इतना सब होने के बाद भी सोनिया बहुत हिम्मत करके एक एक करके अपने पिता और अपने पति की लाश बाहर लेके आई। पर उस दिन के बाद से वो एकदम से बदल गई। वो बहुत ही बड़े सदमे में जा चुकी थी। अपने पिता और अपने पति के अंतिम टाइम पे भी उसने किसी के भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सभी लोग सोनिया के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि खुद सोनिया कितनी ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि अपने पिता और पति के मौत के बाद भी उसे हर जगह
उसी 18 साल के लड़के की आत्मा दिखाई दे रही थी। वो किसी भी वक्त सोनिया के सामने आ जाता था। एक दिन सोनिया रात को सो रही थी कि तभी उसे अपनी आंखों के सामने उसके कमरे की छत पर उसी लड़के की आत्मा दिखाई दी। सोनिया ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और वो लड़का सोनिया से ये कहने लगा कि उसको उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है और उसने अगर उसकी बात नहीं मानी तो बाकियों की तरह वो भी सोनिया को मार देगा। सोनिया ने बहुत कोशिश की लेकिन उस लड़के की आत्मा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तो आखिर में सोनिया ने परेशान होकर उसी घर में जाकर अपने आप को शूट कर लिया। जब पुलिस उस घर में पहुंची तो पुलिस को सोनिया की लाश पड़ी मिली। इतनी सारी मौतें होने के बाद गवर्नमेंट ने उस मेंशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया